हेलो दोस्तों, आज हम ये एक बैटरी चार्जर आया हुआ है रिपेयर होने के लिए। मेरे पास 28 वोल्ट का है, ये मेरे ख्याल स्कूटी वगैरह का है। इसका सर्किट शॉर्ट है पूरा। आज हम इसको देखेंगे कि ये रिपेयर कैसे होता है। एक्चुअली इसके अंदर जो है, इसका जो मॉस्फेट सर्किट है, ये खोला हुआ है मैंने, ये पूरा शॉर्ट है। उसके अंदर जो आईसी लगी हुई है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये मैंने जो है निकाल दी है इसकी। और यहाँ ये मॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये निकाल दिया है मैंने। अब इसकी जगह जो है, हम लोग ये मॉड्यूल लगाएंगे। ये 3842 का मॉड्यूल है, ये जो आईसी लग रही है इसके अंदर, ये 3842 है। उसके साथ ये मॉस्फेट लगा हुआ है, कंप्लीट मॉड्यूल है। इसको थ्रू हम इस चार्जर को ऑन कराएंगे और देखते हैं कि ये फुल फंक्शनल होता है या नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले मॉड्यूल में एक्चुअली यहाँ पे ये कपलर लगा हुआ था, तो ये मैंने निकाल दिया है, क्योंकि हमें जो है इसी सर्किट का कपलर यूज़ करना है, जिससे ये प्रॉपरली वोल्टेज मेंटेन कर सके। तो इस मॉड्यूल का ये ग्राउंड पॉइंट है ब्लैक वाला, इसको हम ये ग्राउंड में ही लगाते हैं। ये रेड पॉइंट इसका, ये ड्रेन है सेंटर पॉइंट मॉस्फेट का, इसको हम मॉस्फेट के ये सेंटर पॉइंट है उसी पे लगा देंगे, जो ट्रांसफार्मर पे जाता है, जो ट्रांसफार्मर को स्विच करता है। और इसका जो ये ग्रीन पॉइंट है, ये ग्रीन वायर जो है, ये इस आईसी की वोल्टेज है, जो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी इस पे आएगी उसके लिए है ये वायर। इसको हम जो इस आईसी पे जो वोल्टेज पॉइंट है, को स्टार्टिंग वोल्टेज जो मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, वन मैग और 100 kΩ की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये यहाँ से जो आके ये 0 ओम की जो रेजिस्टेंस है इस पे आई हुई है। इसके थ्रू हम ये 12 वोल्ट स्टार्टिंग वोल्टेज आएगी, तो इस डायोड से और इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्टेज वो इसी रेजिस्टेंस पे आ रही है। तो ये मेनली 3 पॉइंट है हमारे, ये हमने लगा दिया है। और इसमें जो ये वायर बची हुई है, ये एक इसमें जो है आउटपुट जो हमारी है, इसमें कपलर के आउटपुट की ये 2 वायर है, एक ग्राउंड है वाइट वाली और येलो वाली है, ये मेन पॉजिटिव है, लेकिन हम कपलर यूज नहीं कर रहे, तो हम इस कपलर को हमने निकाल दिया है। इसका जो इनपुट पॉइंट है ये वाला 3 और 4 नंबर जो इनपुट में लगा होता है, इसकी एक पॉइंट एक पिन ग्राउंड होती है, जो दूसरी पिन है जो आईसी पे जाती है, जो वोल्टेज को रेगुलेट करती है, हम उसके साथ इसको कपलर से अटैच करेंगे। ये येलो वायर, इसमें हम ये कपलर हमारा लगा हुआ है ये वाला, इसका एक पॉइंट हमने ग्राउंड कर दिया डायरेक्ट, और जो सेकंड पॉइंट है इस पे हम ये लगा देते हैं वायर। कपलर के साथ अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हम आउटपुट वाली वायर यूज कर रहे हैं। तो ये
हम जम्पर लगा देते हैं इसको। इसका देख लेते हैं पॉइंट, हाँ ये वाले पिन ग्राउंड है और ये वाली जो है वोल्टेज सेंस के लिए है। हमने ये वायर अटैच कर दी है येलो के साथ और येलो वायर हमारी ये कपलर पे आ गई है जो वोल्टेज को सेंस करेगी आउटपुट को। और ये वायर तो यूजलेस हो गई है क्योंकि हमें आउटपुट का कपलर इस सर्किट का यूज नहीं करना है। तो ये अटैचमेंट हो गई है सारी। इस आईसी का जो सर्किट था ये हमने कम्प्लीटली डिसकनेक्ट कर दिया है, इसका कंपोनेंट वगैरह निकाल दिया है जिससे ये वाला सर्किट जो है इसको डिस्टर्ब ना करे। हम देखते हैं ये सर्किट हमारा वर्किंग में आया या नहीं आया। उसके बाद जब ये वर्किंग में आ जाएगा तो हम इसको प्रॉपर तरीके से हीट सिंक वगैरह में कस के इसको फिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, इसको SMP सप्लाई में भी काफ़ी पहले मैंने यूज किया हुआ है तो उसमें बहुत ही परफेक्टली काम करता है, ये लोड अच्छा लेता है। अब ये हमने लगा दिया है, अब हम देखते हैं इसको। सब पहले हम ये देख लें इसकी जो हमने वोल्टेज पॉजिटिव दी है, ये हमने पॉजिटिव ग्रीन में दी है तो हाँ ठीक है, हमें पॉजिटिव वोल्टेज हमने सही कनेक्ट करी है। अभी हम मेन ऑन करते हैं इसकी, ये 36 वोल्ट आ गई इसकी। एक्चुअली डायरेक्ट वोल्टेज आ रही है, जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे इसकी तब ये करीब करीब आपकी 28 वोल्टेज के आसपास शो करेगा। तो ये मतलब सर्किट आपका सक्सेसफुल ऑन हो गया है और ये फुल फंक्शनल है। बहुत ही सिंपल सर्किट है। अब हम इसको एक बार प्रॉपर कस के और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं दोबारा ऑन करके। हमने ये मॉड्यूल इसके अंदर फिट कर दिया है, ये मॉड्यूल हमने इसके अंदर पैक कर दिया है ताकि हम इसके अंदर यहाँ रखें तो कोई शॉर्टिंग ना हो। और इसके अंदर जो MOSFET मॉड्यूल के अंदर ही लगा हुआ था वो हमने यहाँ हीट सिंक में कस दिया है और यहाँ से वायर के थ्रू इसके अरेंजमेंट करके सर्किट में लगा दिया है। और हम इसको पैक करेंगे और फिर चेक करेंगे। ये हमने प्रॉपर कर दिया इसको, अब हम इसको पैक करने से पहले एक बार और चेक कर लेते हैं। ये सर्किट कभी भी कनेक्ट करने से पहले हम लोग इसको स्विच में ही चेक करते हैं ताकि अगर कोई शॉर्टिंग हो तो ज़्यादा स्पार्किंग ना हो इसमें। हम मेन ऑन करते हैं इसकी, ये वोल्टेज आ गई है हमारे प्रॉपर। अब हम इसको पैक करके और फिर बैटरी से कनेक्ट करके एक बार और चेक करेंगे इसको। ये हमने इसको पैक कर लिया है और बैटरी कनेक्ट कर दी है इसमें। स्टैम्प 23.8 वोल्टेज DC शो कर रहा है। अब हम इसकी मेन ऑन करते हैं, देखते हैं चार्जिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई।
ये हमने मेन ऑन कर दी। ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये डाउन बैटरी लगा रखी, हो सकता है जल्दी सेंस कर ले और चार्जिंग कट करते हैं। ओके दोस्तों, ये चार्जिंग कट हो गई है, ये फिर स्टार्ट हुई है क्योंकि बैटरी जो है डाउन है, तो इसलिए जल्दी कट हो रही है और जल्दी स्टार्ट हो रही है। तो ये मॉड्यूल हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और ये चार्जर फुली फंक्शनल हो गया है। ओके, थैंक यू।